नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जॉब से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड जो भी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ये बीएड वीज़ा से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगा बीएड वीज़ा की। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो कंसर्न ये है ना कि आप अगर बिजिट वीज़ा पे आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, बिजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो अपने साथ में बिजिट वीज़ा आपका पहले तो पता होना चाहिए कि बिजिट वीज़ा है क्या। तो बिजिट वीज़ा जो है ना, आप यहाँ पर विजिट करने आ रहे हो, ताकि ना कि जॉब करने आ रहे हो। लेकिन फिर भी लोग क्या है कि अपना जॉब सर्च करते हैं, सर्च करने के साथ फिर क्या है कि वो उस बिजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराना होता है, है ना। परमानेंट जो आपका वीज़ा होता है में कन्वर्ट कराना पड़ता है, जो आपका मिनिमम डेज का वीज़ा होता है ना, कुछ दिनों का होता है, एक हफ्ते का होता है, एक महीने का होता है, 60 दिन का होता है, 90 दिन का होता है। तो उस वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराना होता है। अभी यहाँ पर बात यही है कि आप यहाँ पर आए और आपको पहले तो कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी अगर आप आ रहे हो तो विजिट वीज़ा आप 90 दिन का ही लेके आओ, 60 से 90 दिन का लेके आओ। क्योंकि आपका तो एक महीना ऐसे ही गुजर जाता है जॉब देखने में, और मिलती नहीं है जल्दी जॉब। एक महीना आपको आइडिया करने में लग जाएगा कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कैसे जॉब वो करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ना बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए 60 दिन से 90 दिन का वीज़ा लेके आओ, तभी आप जॉब आपको मिल पाएगा, ठीक है। पहला चीज़ यह है कि 60 दिन से 90 दिन का वीज़ा लेके आना, यानी 3 महीने का। दूसरी चीज़, अगर आप आ रहे हो तो 90 दिन का आपको ना यहाँ पर रहने खाने का खर्च लेके आना पड़ेगा। जब पहले ऐसा नहीं है कि वहाँ पर है तो हो गया, मैनेज कर लिया, ऐसा नहीं। 90 दिन का आपको खाना यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, खाने के लिए जो पैसा है वो लेके आना पड़ेगा। रहने का अलग है, मिनिमम क्या है रहने का, यार मैं बता दूँ तो यहाँ पर जो बेड स्पेस मिलता है, यहाँ पर पता ही एक के ऊपर एक बेड स्पेस है, तो वो आपको पड़ जाएगा 300 से 500 या 600 के बीच में पड़ता है। ऐसे 300 से लेके और 400 एरिया के ऊपर है, शारजहाँ, अजमान, दुबई, बड़ दुबई, डेरा दुबई, ये सारी जगह हैं। यहाँ पर एरिया के हिसाब से पैसे में मिलता है वहाँ पर, तो बेड स्पेस तो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कराओगे? आपको जॉब मिला, आपने यहाँ पर कंपनी सर्च किया, कंपनी सर्च करने के बाद क्या है कि आपको अब उसको वीज़ा को कन्वर्ट कराना है, तो आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप शारजहाँ दुबई में है तो आपको नियर बाई कोई कंट्री है, जैसे वहाँ का वीज़ा लिया आपने, एक दिन का वीज़ा लिया, 24 घंटे का लिया या फिर कुछ घंटे का लिया वीज़ा, तो उसमें आप वहाँ पर कंट्री एग्जिट करके फिर वह आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका पे स्टैम्प होके फिर दोबारा एंट्री करोगे आप। या तो आप अगर इंडिया, पाकिस्तान, कहीं बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हो ना, तो आपको अपने कंट्री जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से रिटर्न आपको आना पड़ेगा। तो समझना आप बात को कि बीजेड वीज़ा पे आपने जब उसमें इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू देने के बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिसीव हो गया ना, तो आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी। अब देखना है कि उसमें डेट क्या मेंशन है, आप ये वीज़ा कब से वैलिड है। जिस दिन से आपका वैलिड हो गया वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आपने कंट्री अपनी एग्जिट की, एग्जिट करने के बाद में आपको दोबारा फिर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे एंट्री करोगे। अभी ये नहीं है कि यहाँ पर रहते रहते आपका वीज़ा कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ नहीं है। विजिट वीज़ा क्या है, आ रहे हैं बंदे, आ रहे हैं बहुत सी, आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, फेक न्यूज़ पढ़ी होगी कि यार नहीं मिल रहा जॉब, ये है वो। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टैलेंट है तो जॉब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कराने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको अब कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी। और ये कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे आप दे दो, 1000 दरम दे दो, 2000 दरम दे दो, मैं आपको क्या कि कंट्री एग्जिट नहीं कराऊंगा, यहीं से ही हो, तो फेक है, उस चीज़ में ना फंसें, बिल्कुल भी ना फंसें, ठीक है। विजिट वीज़ा का मतलब है विजिट करने घूमने आ रहे हो आप, जॉब करने थोड़ी नहीं आ रहे हो। लेकिन यहाँ की दुबई गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, विजिट वीज़ा पे कर रहे हो तो केवल विजिट करके जाओ। लेकिन फिर भी लोग जॉब सर्च कर लेते हैं, करके अपना कंट्री एग्जिट करते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ से फिर क्या है कि अपना फिर रिटर्न आ जाते हैं। तो ये सीन चल रहा है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि आप दुबई में जॉब ढूंढ लिया आपने, आपका जो विजिट वीज़ा था आप कंपनी ने लगा दिया, पीआरओ को भेज दिया, उसने क्या किया कि आपका पीआरओ मतलब जो भी है चारों चार डिपार्टमेंट जो भी उनका होता है वो पीआरओ को भेजता है, तो वो क्या है कि तुरंत अपना कन्वर्ट हो जाता था, वो जो भी टाइम लगता था, हफ्ते, दिन, 10 दिन। अब ऐसा नहीं है,
अब आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी, दोबारा जाके फिर वापस आना पड़ेगा दुबई में जॉब करने के लिए। तो ये आपका खर्च ज़्यादा हो गया उसमें विजिट वीज़ा में। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप अगर आ रहे हो तो खाने का जो है ना पैसा और कुछ जो ज़रूरत सी चीज़ें, कपड़े ज़्यादा नहीं लेके आना है आपको, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा, मान के चलो कि आपके पास खान पैसे कम है तो वहाँ से आप जो भी थोड़ा बहुत जो जैसे ड्राई व्राई चीज़ें होती हैं वो आप लेके आओ, यहाँ पर आप ना सर्वाइव कर पाओगे तभी। नहीं अगर आप अच्छे खासे फैमिली से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आके 3 महीने 4 महीने जो भी आप आराम से सर्च करो। लेकिन जो गरीब फैमिली से आते हैं ना, सोचते हैं कि बिजट वीज़ा पे जाके तो वही लाख रुपए पड़ जाता है यार, 70 कहने के लिए यहाँ पर 70-80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये पड़ ही जाता है। तो यह है बिजट वीज़ा। बाकी जॉब मिल रही है बिजट वीज़ा पे, आप टेंशन ना लो, बिजट वीज़ा पे जॉब मिल रही है, आप ले सकते हो। बट आपको ये चीज़ें कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको कंडीशन यही फॉलो करनी पड़ेगी कि आप विजिट वीज़ा में यहाँ पर आओ, जॉब लो, उसके बाद में कंट्री एग्जिट करके अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे एंट्री करो। तो ये चीज़ें, कोई भी कंसर्न हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, मैं आपको अदर और भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। अगला वीडियो जो बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या सीन है मेरे साथ, क्या क्या यहाँ पर जो मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था वो कैसे, मेरा इमीडिएट आईडी के लिए जो भी इशू होता है वो सारी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगर प्लीज़ अगर वीडियो सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे।